रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप स्पीड ऑफ रोटेटिंग आरएमएफ ऑन रोटर, यानी रोटर पे जो हमारा आरएमएफ है उसकी स्पीड क्या होगी। तो हमने पहले लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में जो हमने देखा था कि हमारे पास आरएमएफ है और आरएमएफ जो है हमारा रोटेट कर रहा है एट सर्टेन स्पीड एनएस। तो हमने, यह हमारे पास रेफरेंस था, ये हमारे पास फेज ए है और ये हमारे पास रिजल्टेंट आरएमएफ है जो हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, और इसका जो एंगल है विद रेस्पेक्ट टू ए वो हमारा थीटा था। तो स्पीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि स्पीड जो हमारी एंगुलर स्पीड होगी वो हो जाएगी हमारी डी थीटा बाई डी टी। कि अगर सपोज करो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इसमें थीटा वन था हमारा और टाइम एट टी वन हमारा हो गया थीटा टू, यानी स्पीड क्या हो जाएगी थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ये हमारी स्पीड हो जाएगी। तो हमारी स्पीड होगी डी थीटा अपॉन डी टी, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा। ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा ई को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ओमेगा ई हमारा जो है ओमेगा के बराबर है, यानी ओमेगा इलेक्ट्रिकल है और ओमेगा ई इलेक्ट्रिकल और ओमेगा मैकेनिकल में हमारे पास रिलेशन है ओमेगा एम इज इक्वल टू टू ओमेगा ई अपॉन पी। पी जहां हमारे हैं नंबर ऑफ पोल्स, टू इंटू ओमेगा अपॉन पी, ये हो जाएगा हमारा मैकेनिकल मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। तो हमारे पास ओमेगा एम यहां से आ जाएगा, ओमेगा एम हो जाएगा टू इंटू, ये ओमेगा हमारा टू पाई एफ के बराबर ही वाला ओमेगा, इसी का हम रख देंगे टू पाई एफ अपॉन पी नंबर ऑफ पोल्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर पाई एफ अपॉन पी। ओमेगा एम जो होता है हमारा वो होता है टू पाई एन के बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा टू पाई एन इज इक्वल टू फोर पाई एफ अपॉन पी, यानी कि एन हमारे पास आ जाएगा टू एफ अपॉन पी, ये हो जाएगा हमारे पास रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसको हम चेंज करेंगे आरपीएम में, तो अगर हम रिवॉल्यूशन पर मिनट की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा ये एन इज इक्वल टू सिक्स टू एन, ये हो जाएगा हमारे पास आरपीएम 60 इंटू 2f अपॉन p, तो ये आ गया हमारे पास 120 f बाई p, जिसको हम कहते हैं कि ये जो है हमारा ns है। ये क्या है हमारा ns, ns यानी हमारी सिंक्रोनस स्पीड। ये किसी भी मशीन के लिए हमारी हमेशा फिक्स रहेगी एट रेटेड फ्रीक्वेंसी। सपोज करो फॉर हमारे पास 50 हर्ट्ज है, f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, तो हम ये देखते हैं कि ns टू पोल के लिए कितना रहेगा। अगर हमारे पास टू पोल है 120 इंटू 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3000 आरपीएम। ये कब है, जब हमारे पोल जो है दो है। अब जब हमारे पोल दो की बजाय हम चार ले लेते हैं तो ns कितना हो जाएगा हमारा, ns इज इक्वल टू 120 इंटू 50 अपॉन 4, 4 थ्री ज 12, ये हो जाएगा हमारे पास 1500, और पोल हमारे 6 हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी ns हो जाएगी हमारी 1000 RPM। ये ns हमारी क्या रहेगी, हमारी फिक्स रहेगी फॉर ए पर्टिकुलर मशीन जब तक जब हमारी फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज दे रहे। तो इस स्पीड पे हमारा आरएमएफ रोटेट करेगा। अब हम देखते हैं ये ns 1000 या 1500 या फिर 3000 RPM का मतलब क्या है। ये सपोज कीजिए कि ये हमारे स्टेटर है,
इसकी स्पीड कितनी है, जीरो। और ये हमारा आरएमएफ रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से जो हमारा आरएमएफ आया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्पीड कितनी है, एनएस। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटर के रेस्पेक्ट में जो हमारा आरएमएफ है उसकी स्पीड एनएस है, यानी इसकी स्पीड जीरो है तो इसकी स्पीड हमारी एनएस है। स्टेटर हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है इसलिए इसकी स्पीड जीरो, तो स्टेटर के रेस्पेक्ट में जो आरएमएफ की स्पीड है वो हमारी एनएस है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है रोटर पर, फ्रीक्वेंसी ऑन रोटर, तो जैसे कि हमने देखा था कि रोटर हमारा क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किटेड है, तो उसमें हमारे पास ईएमएफ भी होगा और करंट भी होगा। तो जाहिर सी बात है एसी है तो उनके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो सपोज कर लिए कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी रोटर की वो F2 है, और उसमें हमारे नंबर ऑफ पोल्स हैं हमारे P2, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो P2 अपॉन 120 इंटू रिलेटिव स्पीड। ये जो रिलेटिव स्पीड है ये आएगी हमारे पास स्लिप से, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो हमारे पास हो जाएगा एस इंटू एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। तो जो हमारे रोटर और स्टेटर के बीच में आरएमएफ है, ये हमारा रोटर की स्पीड है, ये हमारे स्टेटर के आरएमएफ की स्पीड है, तो इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस जो है हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। ये हमारी क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे ऊपर इसमें, तो हमारे पास जो F2 आएगा, F2 विल बी P2 अपॉन 120 इंटू एस इंटू एन एस। अब क्योंकि सेम मशीन है तो P2 जो हमारे बनेंगे रोटर के ऊपर और जो स्टेटर में बनेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इन सेम होने की वजह से ये हमारा हो जाएगा P अपॉन 120 इंटू एस इंटू एन एस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो F2 आया उसका रिलेशन हो जाएगा एस इंटू पी अपॉन 120 इंटू एन एस। तो ये जो रिलेशन आया ये हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी जो हमारी लाइन फ्रीक्वेंसी थी, कहाँ से, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। तो इसका मतलब क्या हुआ, F2 क्या हो जाएगा हमारा एस इंटू एफ, यानी रोटर पे जो हमारी स्लिप आएगी, रोटर पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी होगी, स्लिप इंटू लाइन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप इंटू लाइन फ्रीक्वेंसी। अब ये स्लिप क्या है, स्लिप होती है हमारी एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। स्पीड हमारी है आरएमएफ की, ये आरएमएफ है, ये हमारा रोटर की स्पीड है, रोटर जिस स्पीड से रन कर रहा है, और ये हमारी स्टेटर के आरएमएफ की स्पीड है, यानी जो इसका रेशियो है डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ आरएमएफ, इसको हम कहेंगे स्लिप। ये पर यूनिट में हो गया तो इसलिए हमारी जो स्लिप होगी वो यूनिटलेस होगी, यूनिटलेस हम इसकी बात करेंगे पर यूनिट में, पर यूनिट पर रहेगा हमारा। अब रोटर पे जो हमारा ईएमएफ आ रहा है वो हमारा थ्री फेज ईएमएफ होगा। अब थ्री फेज ईएमएफ है और करंट भी है, थ्री फेज ईएमएफ और करंट, तो ये जो रहेगा वो बैलेंस्ड रहेगा, उसकी वजह से हमारे पास रोटर पे आरएमएफ भी आएगा, रोटर पर आरएमएफ, यानी हमारे पास एक और आरएमएफ आ गया। पहले सिर्फ हमारा स्टेटर का था,
अब रोटर का भी आरएमएफ है। अब इस रोटर के आरएमएफ की स्पीड कितनी होगी ये हम देखते हैं कि सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो हमारे पास 4 पोल्स हैं, तो हमारी एनएस कितनी हो जाएगी? हमारी एनएस हो जाएगी 1500, 1500 आरपीएम, ये हमारी हो गई एनएस। अब हम क्या एज्यूम करते हैं कि भाई हमारी जो स्लिप है वो स्लिप हमारी है 4%, 4% है, तो स्लिप क्या होती है हमारी? एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। 4% का मतलब क्या है? स्लिप हमारी 0.04 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.04 इज इक्वल टू 1500 माइनस एन आर अपॉन 1500। यहाँ से जो हमारे पास एन आर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1440, यानी ये तो स्पीड हो गई हमारे रोटर की, जो रोटर हमारा रोटेट कर रहा है। ये हमारे पास स्टेटर है, ये हमारे स्टेटर का आरएमएफ है। ये हमारे पास रोटर है, रोटर, और ये इसका आरएमएफ है। तो यहाँ पे हमारी तीन चीज रोटेट कर रही हैं। ये हमारा एनएस रोटेट कर रहा है, रोटर हमारा एनआर की स्पीड से रन कर रहा है, और ये क्योंकि थ्री फेज बैलेंस है और थ्री फेज करंट है तो ये हमारा जो है एनएस की स्पीड से रन करेगा। तो इसको हम समझ लेते हैं, एनआर हमारा 1440 हो गया। अब अगर हम इसके एनएस निकालें, यानी हम एन एस टू निकालें, तो हम रखेंगे 120 एफ टू बाई पी, पी तो हमारे सेम ही रहेंगे, तो जो हमारा आया ये आ जाएगा हमारे पास एस इंटू एफ, एस इंटू एफ इंटू 120 अपॉन 4 30, और S इंटू एफ क्या होगा हमारा 0.04 इंटू 50 इंटू 30, 4 5 20, और 20 इंटू 30 हमारा 60 हो जाएगा, 0.04 है, तो क्या आ गया हमारे पास 60 आ गया, 60 आरपीएम स्पीड निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है? 60 है, यानी कि अगर ये हमारा 1440 पर रन कर रहा है और इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 60 होगी, यानी कि 1440 इन दोनों की स्पीड अगर हम निकालें तो ये स्पीड, अगर हम बात करें इसकी स्पीड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर, तो कितनी हो जाएगी? 1440 तो रन ही कर रहा है, प्लस 60 ऐड कर दो, 1440 प्लस 60 यानी कि 1500 की स्पीड पर रन कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर, तो ये कितनी होगी हमारी? एनएस। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये भी एनएस पर रन कर रहा है और ये भी एनएस पर रन कर रहा है, तो इस इंडक्शन मोटर में हमारी टॉर्क तब तक लगती रहेगी जब तक हमारा रोटर आरएमएफ और स्टेटर आरएमएफ दोनों क्या है? हमारे एनएस की स्पीड पर रन कर रहे हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जब तक हमारी दोनों स्पीड स्टेशनरी रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो हमारे मोटर में टॉर्क लगता रहेगा। थैंक यू।